बाइक तो है नहीं, क्या होगा, चलो लाते हैं बाइक। ये लीजिए, एक के बल्ले दो बाइक लग चुके हैं। सारा सामान लोड करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से अपने कैंपिंग लोकेशन के लिए। बाकी आज के कैंपिंग में अपने साथ बबलू भाई और साथ ही राजा भाई भी। हेलो ब्रो, अच्छा ये इसमें लगते हैं काल भैरव का होगा, काल भैरव का, काल भैरव के लिए गियर पहन के आया हूं। रोड में चलने में मजा ही आता है ना, पहले रास्ते से मजा। ओके दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अंतिम गांव तोली गांव पे। तो रोड यहां पर ख़त्म होती है और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड करके हम यहां पे पहुंचे। तो कैसा लगा राजा भाई ऑफ रोड करने में? मज़ा आ गया भाई। बबलू भाई सोलो आ रहे थे एक्सपल्स में, तो वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके यहां पर पहुंचे हैं। बाकी यहां पर कुछ दो चार मकान हैं और यहां पर रोड ख़त्म होती है। बाकी अभी हम सोच रहे हैं कि उस टॉप पे जाए जहाँ पे आपको धूप दिख रही है ना, तो हमें जाना है वहाँ पे। तो लगभग यहाँ से यार एक घंटा तो लग ही जाएगा मिनिमम। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि लगभग शाम के 4 से 4:30 हो गया टाइम। बाकी बाइक यहाँ पर हम पार्क करेंगे और यहाँ से निकलेंगे उस टॉप के लिए। तो आज से कैंपिंग वहाँ होगी। दागी चल आगे, देखो पुराने टाइप के घर, और ये घरों से होते हैं हम जाएंगे ऊपर। नल तो यहाँ पर था, एक ऊपर होगा नल, ये यहाँ पर जगह है, ये ऊपर है। अभी चल रहे हम पूरे घने जंगल के बीच से, चारों ओर बिल्कुल बांज के पेड़ हैं। 2 घंटा पूरा खाएगा ना? हाँ यार, ये तो मुश्किल ऊपर जाने में। यहाँ मेरे को शाम के टाइम पहुँचने में मजा। रास्ता भी तो है ही नहीं उधर से, होगा तो बस ऐसे ही क्रॉस हो जाता। देखो एक छोटा सा बुग्याल टाइप का रखा है। बाकी इस साइड को ना खेती कर रखी है, इसमें आई थिंक आलू वगैरह वही होंगे, क्योंकि ऊपर की हाइटों में और थोड़ा ठंडे इलाकों में ना आलू बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इतनी पूरी लैंड में आलू वही होंगे। और आगे का नज़ारा देखिए, बहुत शानदार। बोल भाई कैसी लगी लोकेशन? बढ़िया यार, ठीक है, बढ़िया। फूलों की घाटी में आ गए, फूलों की घाटी, ये वाइट घाटी है। उससे उससे भी इतना ही दिखता है, उस साइड का दिखेगा थोड़ा बहुत दिखेगा, पर हमें तो गिधेरा पार करना पड़ेगा ना भाई पहले। हमको यहाँ से ही नहीं आना पड़ेगा, हमको गाड़ी रोकनी पड़ेगी वहाँ।
सबसे पहले यार सॉरी, क्योंकि ना हमने जहाँ का प्लान बनाया था वहाँ हम पहुँच नहीं पाए, क्योंकि ये देखो हमने जाना था इस स्टॉप पे, तो इस स्टॉप में जाने के लिए ना सबसे पहले हमको यहाँ से नीचे उतरना पड़ता, फिर ये स्टीप चढ़ाई इस पहाड़ को चढ़ना पड़ता और फिर ऐसे क्रॉस 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 होते हुए यहाँ जाना पड़ता। तो यहाँ पहुँचने तक तो हमको यार ऑब्वियसली अंधेरा हो जाता। तो अभी जहाँ पे आए हैं वो लोकेशन भी बहुत प्यारी है, तो उस लोकेशन में ना नेक्स्ट टाइम पे जरूर जाएंगे, क्यों राजा भाई, नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे ना, पूरा फतेह करेंगे वाला। बिल्कुल बिल्कुल यार, और साथ में बोलो भाई ये लोकेशन भी ठीक है, बहुत मस्त है। बिल्कुल ये देखियो यहाँ पे हम अपना टेंट पीस करने वाले हैं, और एक पूरा छोटा सा बुग्याल टाइप का है, और वहाँ पे ना थोड़े से भेड़ पालक वगैरह बकरी चराने वाले जो लोग हैं वो रहते होंगे, और आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है। लगभग थोड़ी सी हमको लकड़ियाँ मिली हैं, ज़्यादा मिली नहीं है, क्योंकि ना ये पूरा हरा जंगल है तो इसमें सूखी लकड़ियाँ कम ही मिलेंगी, बाकी थोड़े बहुत बबलू भाई लागे हैं। ठीक है बबलू हो जाएगा ना थोड़ा बहुत तो। हाँ ये देखो बबलू भाई ला रहे हैं। बाकी इन भाई ने हमको यहाँ पे आते हुए देखा तो ये पहुँच गए, ये यहाँ पे ना बकरियाँ वगैरह चराते हैं, तो इनका भी नीचे हट है तो वहीं रहते हैं। कुछ कहना चाहोगे दाजी? हाँ क्या है सुनने भाई साहब, शर्मा गए, शर्मा आ गए, कोई नहीं कोई नहीं। बाकी हमारी ना लकड़ियाँ टूट रही हैं, उससे हम आग वगैरह जलाएंगे अभी बढ़िया से। टाइम शाम के 5:55 हो चुके हैं, और यार जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँच नहीं पाए, क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं गए ना कि मुझे वहाँ का शाम का वेदर और दोनों चीज़ सुबह का भी और शाम का वेदर दोनों टाइम इन्जॉय करना था, तो इसलिए हम आज उस स्टॉप पे नहीं गए। बाकी नेक्स्ट टाइम ज़रूर उस स्टॉप पे जाएंगे और बढ़िया से शाम का सनसेट कैप्चर करेंगे आपके लिए और इंजॉय करेंगे। तो आज की लोकेशन भी उतनी बुरी है नहीं, क्यों बोलो भाई, बढ़िया ना, मज़ा आया बिल्कुल। तो आप सबसे पहले ठंड से बचने के लिए ना बड़ी ऐसी अदरक वाली चाय बनाएंगे राजा भाई, और चाय इंजॉय करेंगे आप। चाय के उस्ताद राजा भाई, चावल दाल दाल जी जो चीज तेरे मन जिंदगी में बहुत बड़ा है उन्हें। चाय और अदरक ना हो अब ऐसा कहाँ होगा,
बिना अदरक की चाय नहीं दिया जब तक मिर्च ना लगे तब तक मजा ना आएगा। ये बाबा सड़क पर बज रही हो तेज है आ रही आज तो स्टील की इसमें अच्छा रहेगा ठंडा भी नहीं होता इसमें ज्यादा जॉय हो जाएगा कुछ में खूट रहेगा ना यस यस कैसा हो रहा है गौ में लगना कुंडकिनी में हल्की चीनी का मैं अदरक के पीस आ रहे मुंह में मेरे अरे वो भी था हमने बात को वो भी कर रहे थे अच्छा अदरक के लिए चलो बड़ी सी चाय के साथ बिस्किट एंजॉय करते हैं बाकी दोनों भाई एंजॉय करते हैं चाय तो पी दी है अब यार आग जलाने की कोशिश चल रही है अपनी और थोड़ा हवा का मजा लेते हैं मन कर रहा कैसा हो रहा हो कई तरीके से चलिए भाई टाइम हो गया है आपका 7:23 और अब अपना डिनर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है थोड़ी देर हमने आग वगैरह सेकी और अब बबलू भाई ना प्याज को कद्दूकस कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं आज ग्राइंडर तो है नहीं हाँ ग्राइंडर तो है हो रहा पतला ठंड काफ़ी है यहाँ पे तो अपनी सेकंड चाय बना रहे हैं राजा भाई और साथ में कद्दूकस हो रहा है प्याज इसके बाद बनाएंगे बढ़िया साज क्या बनाने वाले पालक पनीर बिल्कुल पालक पनीर मेरे सफेद पनीर और साथ में बढ़िया बढ़िया रोटियां बनाएंगे आज बटर बटर जिससे शादी होगी बैंक उस टाइम पे पहले मतलब उसके बाद आज आ रहा हूँ इंग्लैंड में या पोलैंड बुझाए फर्स्ट टू तो आज बढ़िया पालक पनीर बनाने वाले हैं हम और राजा भाई बनाएंगे बढ़िया पनीर भुर्जी तो दो दो चीज बनाएंगे टेस्ट करेंगे दोनों चीज आसु भाई हमें सिखा रहे हैं पालक पनीर बनाना आसु बबलू भाई बनाएंगे बढ़िया हल्का सा प्याज फ्राई होने देंगे ऐसे पूरा कद्दूकस कर रखा हमने ताकि बढ़िया ग्रेवी बने हमने तो बचा लेना बस तो प्याज अपना हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं फिर जाके ना पालक ऐड करेंगे पानी डालो थोड़ा अब डाल देना ताकि जले ना बस 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 मसालों को भी तो पकाना है हाँ लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे हरी मिर्च हमने डाली
ये मैं घर से ही ग्राइंड करके लाया था अच्छे से। वाह, बाकी ना हल्के हल्के वो हिरन की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, काकड़ की। पास ही में हो गए, नीचे जंगल है ना, वहीं से आ रही है। और इस एरिया में थोड़ा सा जंगली सुअर का आतंक ज़्यादा है। ये खोदे हैं जो किसी ने तो खोदा हो गया इतना, मतलब क्या पता है। हाँ, क्यों जंगली सुअर भी आते ही है ना। सुअर का आतंक है हर जगह, बगल में भी खोदी उसी ने रखा है। कहीं टेंट वगैरह ना उखाड़ दे। कोई नहीं, आग है, जब तक आग है तब तक कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। बुझने के बाद तो फिर देखते हैं किसका सामना होता है। बाबा बा, बा। अरे ग्रीन हम अपने स्टाइल से बना रहे हैं ना भाई, जम गए ग्रीन। बाकी राजा भाई पनीर को क्रश करेंगे, उसका बनेगा बढ़िया पनीर भुर्जी। नीचे वाला थोड़ा सा टास्क है रोटी बनाना, वो भी हो जाए। बाकी अब बाहर जाने जैसा हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बर्फीली हवा चल रही है, बिल्कुल कान सुन पड़ जा रहे हैं, कान हाथ दोनों, और अंदर ही बढ़िया से कुकिंग चल रही है। मेरा तो सभी सुनना होता है। हल्की सी ऊपर से क्रीम डालते हैं और फिर इसको रख देंगे साइड में। ओ बेटा, ये देखो गाइस, आपको दिख रहे होंगे तो, ये देखो हिरन, जंगली हिरन अपने पास आए हैं यार। ये देखो, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट पूरे साफ साफ दिख रहे हैं। एक भी नहीं है, दो तीन है ना? दो हैं, दो दो हैं। हाँ फोकस करना, अब तो पीट कर दिया ये। तो जल्दी क्यों नहीं आए तू? बोलो भाई, तुम्हें क्या लगा पहले? मेरे को लगा यहाँ के लोग हमारे लूटने आ रहे हैं, अच्छा पूछ के बैठे। अरे पहले उनकी आंख पहले चमकी, फिर वो चूक के, अच्छा लाइट नहीं दिखी, अभी इसका फ्लैश पड़ रहा है ना। उसके बाद मैंने कहा कौन जो होंगे, उसके बाद वो सामने आए, फिर पता चला कि यार हिरण है। पहले बबलू भाई की हालत खराब होगी, उन्होंने कहा कुछ आ गया, तो तीन आई थिंक तीन हिरन थे और बहुत पास आए थे, यहाँ पर आए थे अपने टेंट के। वो तो थोड़ा मैं बाहर जाने में लेट हो गया, वरना और अच्छे से दिखाता। बाकी अब बन रही अपनी पनीर भुर्जी, तो टमाटर कटे हैं और पनीर भी अच्छे से कद्दूकस किया हुआ है, प्याज वहाँ पे रखा हुआ है। तो राजा भाई बनाएंगे बढ़िया पनीर भुर्जी। बाकी हिरन तक तो ठीक है, वो जंगली सुअर वगैरह नहीं आना चाहिए। देखो भाई जिंदगी में मेरे को किसी से डर नहीं लगता है, भालू से बहुत लगता है। हाँ, तो भालू नहीं आना चाहिए उतना डर मेरे को, बाघ वाघ से नहीं लगता है, तेंदुए से नहीं लगता है। भालू तो फिर भालू दिखता ही नहीं है कुछ, भालू की कहानी थोड़ा अलग है। बाकी
बाकी ना बबलू भाई आग ठीक कर रहे हैं। तो ये देखो बढ़िया अपनी पनीर भुर्जी की बन के रेडी है। इंसान इतने बटन छोटा हो गया, टास्क बहुत बड़ा हो गया भाई। चक्कू कहाँ है छोटा वाला? इनको टिक्की कहते हैं, नहीं नहीं आटे के गोले, गोले आटे के गोले, गोले तो गोले पहन रखे। इसमें बनाएंगे बढ़िया रोटियां, मैं बेलूंगा और बबलू भाई सेकेंगे। अच्छा भाई का काम रहेगा गरम गरम रोटी में बिल्कुल। डरपोक समझा क्या? चल घने जंगल के बीच अभी चलना, कुछ पकड़े तो तब भी लाएंगे। या वो हमको पकड़ेगा या तुम ही पकड़ोगे? हम ही पकड़ेंगे। चिमटा है ना सर? अभी चिमटा क्या चाहिए आपको? जो ये रोटी फूली अपनी दूसरी वाली। अरे बहन का डाल तो आप चीरे रहे हैं वो। चलो भाई अपना डिनर तो बन के रेडी हो गया, पालक पनीर, पनीर भुर्जी और साथ में रोटियां। बाकी यार जो हिरन है बहुत तेज चिल्ला रहा है, आई थिंक ये जो तभी चिल्ला थे ना वही है, भाग भाग होगा, हाँ कुछ खतरा होगा ना तभी चिल्लाते हो। वो देखो एक बार सुनना, करते अपना डिनर जो है यहाँ आए थे। चलो भाई सबसे पहले रोटियां देखो, पूरी बटर में लथपथ। सबसे पहले टेस्ट करते हैं पालक पनीर। पालक पनीर में जितना भी पानी था ना वो पूरा सूख गया। बस वेट, नमक हो गया। पनीर भुर्जी मस्त, अंडे का स्वाद आ रहा है उसमें। देखी बोरी हुई थी स्पेशली रोटी। कैंपिंग की पहली रोटी है अपन। रोटी बनाने नहीं आती किसी, आती भी ऐसा कौन बनाए। ओके दोस्तों रात के 10:21 हो चुके हैं, बाकी बढ़िया से डिनर तो हो चुका है और थोड़ी बहुत अपनी लकड़ियाँ बची थी वो भी अब ख़त्म हो जाएंगी। बाकी हल्का सा मून आ गया इस साइड से, हाफ मून, और जो हिरन की आवाज़ है ना उस साइड से लगातार आ रही है, एक इस साइड से आ रही कभी कभी और एक इस साइड से, क्योंकि ना चारों ओर फॉरेस्ट है।
तो पूरा घना जंगल है नीचे को। बाकी यार बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो ठंड में मरने से अच्छा है टेंट के अंदर घुसते हैं और स्लीपिंग बैग खोलते हैं, आराम से बैठते हैं फिर, ठीक है। बाकी सारी सफाई वगैरह हमने क्लीन कर दिया है सारा टेंट, और चलते हैं अंदर। खाना वाना खा के अब अपनी ये चाय बन रही है, तो चाय पियेंगे फिर जाके आराम से सो जाएंगे। बाकी अगर कुछ रात को ऐसी एक्टिविटी होती है तो आपको शेयर ज़रूर करेंगे। बाकी हिरन वगैरह तो नॉर्मल ही है, हिरन वगैरह आना आसपास टेंट के, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा जानवर ना आए वो हम बस दुआ करना भालू ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही बात कहते हैं। तो चलिए फिर गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट, ओके, शुभ रात्रि। चलो मिलते हैं आपको सीधे मॉर्निंग में, देखते हैं यहाँ से कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट, यहाँ चाय पीते हैं और फिर सो जाएंगे आराम से। ओके, अच्छा आवाज आई हमें, हमको है पीछे से नीचे आना, नीचे कागड़ है, हिरण है, हिरण हिरण है, उधर है, थोड़ा दूर है ना, वो देखो, हाँ इस साइड से आवाज आ रही है कागड़ की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के यार 7:30 होने वाले हैं और अभी तो क्या ठंड हो रही है। बाकी नींद बहुत अच्छी आई है रात में, तभी इतने लेट उठे, और साथ ही रात भर हिरन की आवाज़ आ रही थी यार आसपास से, बहुत नज़दीक आए थे वो रात को। भाई साहब इस साइड को क्या ही जंगल है यार, क्या ही जंगल है, बहुत घना। यहाँ से देख के ऐसा लग रहा ना कि बीच में चलने की जगह तक नहीं होगी, उतना पूरा कवर हो रखा है पेड़ों से ये जंगल में ना। आई एम श्योर भालू ज़रूर होगा क्योंकि ऐसे जंगल में जहाँ भालू रहते हैं। और कल जो हिरन आए हुए थे ना वो यहाँ पे आए हुए थे यहाँ पे, और तुम्हें पता है वो हिरन कहाँ से आए? वो हिरन आए यहाँ से पीछे से होते हुए, यहाँ से होते हुए। तो पहले बबलू भाई ने यहाँ पे देखा तो उन्हें लगा बैल एल है, फिर उन्होंने नीचे यहाँ पे देखा, फिर उन्हें लगा कोई आदमी हमें फॉलो कर रहा है, फिर जब फोकस टॉर्च से फोकस किया तो फिर जाके उनको यहाँ पर हिरन दिखे यार, और फिर मैं बाहर आया और हल्के से आपको दिखे होंगे। गुड मॉर्निंग बबलू भाई। गुड मॉर्निंग, कैसी नींद आई? बहुत ही बढ़िया यार, रात को पता ही नहीं चला मॉर्निंग का, वही बढ़िया। रात को बहुत आवाज आ रही थी, तुम्हें लगा सुना तुमने? पास थे ना, हाँ हिरन और सुअर, हाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। बाकी राजा भाई अभी उठे नहीं है तो उनके उठने तक बढ़िया से हम चाय बनाएंगे। और तुम क्या कर रहे हो, आग जला रहे हो? आग जलाते हैं, हाँ थोड़ी बहुत लगनी है, बची है तो जलाई लो। कल देखो ना हम कहाँ जाने की सोच रहे थे यार, वो कहाँ पहुँचते हम, ये देखो इस टॉप पे जाने की सोच रहे थे तो हमें फिर कितना चलता मलटा, लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता और था यार वो, तो वहाँ पहुँचना थोड़ा सा टफ हो जाता। पहुँच जाते बट बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता, 7-8 बज जाते रात के।
चलो आज चाय ना, गुड़ की चाय पियेंगे, गुड़ आए थे हम जी चेस। पता जब मैं उठा कितने बजे? 6 बजे ये नहीं दिख रहा है ऐसी मंगता है क्या? हाँ नीचे साइड पे भेड़ और बकरियाँ वगैरह खुल गई हैं और वो चरेंगे इस पूरे बुग्याल में चरेंगे और शाम को फिर उसी हट में रह जाते हैं। बाकी लोकेशन आपको मैंने बताई दी है, तोली गांव है अंतिम तोली गांव। तो तोली गांव से हम लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर आए, देखो नीचे है गाँव वो नीचे। बाकी थोड़ा सा ना ये जो भी फॉग हो रहा है वो उठ रहा होगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेज जैसा लग रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी आप करते हैं पैकिंग वगैरह और फिर निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। टाइम हो गया आपका 9:33। तो चाय वाय पी और बढ़िया से थोड़ा देर इस व्यू को इंजॉय किया। बाकी अब टाइम आता है यहाँ से निकलने का और आज की कैंपिंग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो लोकेशन हमने जितनी भी गंदगी की थी सारा क्लीन कर दिया, तो अभी के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई नाइट कैंपिंग वीडियो के साथ और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन लोकेशन पे। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही कैंपिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। बाकी निकलते हैं अभी घर के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो चले बाय दोस्तों, बाय बाय। ओके बिल्कुल, तो चले मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। तो सी यू सून, बाय।